अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेशी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 73। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है अब्दुल रशीद का। सर, स्टेटमेंट पे बैंक मैनेजर ऑफिसर की सिग्नेचर और स्टैंप जरूरी है या नहीं? ये मैंडेटरी नहीं है। आपने ई स्टेटमेंट, मेरी जो रिकमेंडेशन है, ई स्टेटमेंट आपने जरूर लगानी है। वो ऐप से भी निकल सकती है और बैंक की वेबसाइट पे जाएं, वहां से भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने एक तो ई स्टेटमेंट निकालनी है, दूसरी आप बैंक में जाएं और वहां पे जाके बैंक स्टेटमेंट जो हार्ड कॉपी पे मिलेगी उसके ऊपर स्टैंप्स और सिग्नेचर, ये जो आप बता रहे हैं ये आप करवा लें, और दोनों ई स्टेटमेंट और ये जो स्टैंप और सिग्नेचर वाली स्टेटमेंट है इसको मर्ज करें और एक पीडीएफ बना के ये अपलोड कर दें। लेकिन अगर आप दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, कुवैत से हैं, तो फिर आप सिर्फ ई स्टेटमेंट लगा देंगे तो वो भी काफी है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूं, आप दोनों स्टेटमेंट्स लगाएं, ई स्टेटमेंट भी और ये जो स्टैंप्स और सिग्नेचर वाली भी। सेकंड क्वेश्चन है जैन असगर का। सलाम भाई, अगर वीजा पर बैन हो जाए तो क्या वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप 5 साल के लिए बैन हो गए हैं तो आप हर तरह के वीजे के लिए बैन है। कोटक महिंद्रा बैंक का क्वेश्चन है। भाई, मैं सऊदी अरब से हूँ 14 मंथ से, मुझे कनाडा आना है ड्राइवर जॉब पे, परमानेंट जॉब पे, प्रोसेस क्या है? भाई इंग्लिश नहीं आती, 10% आती है बस। कनाडा डायरेक्ट जॉब आना चाहता हूं। अगर आप डायरेक्ट जॉब पे आना चाहते हैं तो अगर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं कनाडा में जो डायरेक्ट हायरिंग करती हैं गल्फ रीजन से, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का हो। लेकिन उसके लिए आइल्स की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, आइल्स भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपको क्या होगा? फिर आपको टूरिस्ट वीजा पे इधर आना पड़ेगा कनाडा में। तो टूरिस्ट वीजा पे जब आप आएंगे तो आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इधर आके तो फिर आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा पे कन्वर्ट करवाएंगे तो LMIA आपको लेना पड़ेगा। तो फिर आप फ्लैग पुलिंग करेंगे या ऑनलाइन करेंगे अप्लाई, तो उस वक्त आपको कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप उधर से गल्फ रीजन से ट्रक ड्राइवर वाली जॉब पे इधर आना चाहेंगे तो फिर चाहते हैं तो फिर आपको आइल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आइल्स 10% है। अब आप देख लें, आइल्स का 5 बैंड चाहिए। अगर आपने सीधा वर्क परमिट पे आना है गल्फ रीजन से इधर कनाडा में ट्रक ड्राइवर की जॉब पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ ट्रक ड्राइवर की, बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनका आइल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। नवीर अहमद का क्वेश्चन है, भाई क्या फ्रेश लाइसेंस वाले को जॉब मिल सकती है विदाउट LMIA फीस? जी मिल सकती है। अब जब आपके पास ट्रक का लाइसेंस आ गया, आप कनाडा टूरिस्ट वीजा पे हैं, आपको LMIA चाहिए, तो आपने वो प्रोविंस देखना जहां पे सप्लाई जो है ना वो कम है। अब सप्लाई किस चीज की? सप्लाई यानी कि ड्राइवर्स की। ऐसे प्रोविंस में जाएं जहां पे ड्राइवर्स की जरूरत भी है, डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो अब वो कौन से प्रोविंसेस हैं ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। पवनदीप सिंह का क्वेश्चन है, ब्रो कवर लेटर और SOP सेम होता है क्या? कवर लेटर, एक्सप्लेनेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये ऑलमोस्ट सेम है। अब्दुल मजीद का क्वेश्चन है, पाकिस्तान वालों का कहां से होता है स्टैंप भाई? पाकिस्तान वालों का ये होता है अबू धाबी से वीजा स्टैंप होके आता। चौधरी अवैस का क्वेश्चन है, भाई इस टाइम कनाडा विजिट वीजा की रेशियो कैसी है? ये सबसे अहम क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये परफेक्ट टाइम है। एक तो मौसम अच्छा है, ठीक है, दूसरा अभी जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें उन्होंने 2 नंबर जो पेपर्स लगाते थे, यानी कि अभी मैंने देखा कि फेक बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने लगवा के कुछ पहुंचे भी हैं, लेकिन अब उन्होंने इस जब उनको पता चला है तो फिर उन्होंने सख्ती की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इधर आए हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया से, उन्होंने जो ना फेक डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी, कुछ ना कुछ मसले थे उनके, उधर सख्ती की है। ये जो आप रिसेंट डेवलपमेंट्स देख रहे थे कि जी टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो है ना आप वो वीजा कम लगेंगे, ये असल में ये जो 2 नंबर काम करते थे उनके लिए सख्ती है। तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स 1 नंबर है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए ये टाइम परफेक्ट है। अब उनके वीजा के चांसेस, जारी गल 2 नंबर बंदे निकल जाएंगे तो 1 नंबर बंदों के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये थे आज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मजीद किसी के दिमाग या दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।